सो हाय गाइस, तो यहाँ पर मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के लिए एक बैक कवर मैंने ख़रीदा था। तो मैं ये वीडियो में ये बैक कवर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बैक कवर से मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो में ये बैक कवर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये वाला बैक कवर आपको ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ क्यों यहाँ पर ये वाला बैक कवर आपको ख़रीदना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक बैक कवर है तो यहाँ पर आपको ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक बैक कवर था, लेकिन उसमें ये सैमसंग गैलेक्सी S21 लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा मतलब कि उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था मुझे ये वाला सैमसंग गैलेक्सी S21 FE पकड़ने में। लेकिन यहाँ पर ये जो बैक कवर लगाने के बाद यहाँ पर ये फ़ोन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी लग रहा है और यहाँ पर थिन भी है और यहाँ पर कैमरा प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाला कवर ख़रीदते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैंने 2-3 कवर मैंने ख़रीदा था, उसके बारे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पर ये बैक कवर के बारे में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये जो बैक कवर है मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा, बल्कि ये फ़ोन लगाने ये बैक कवर में लगाने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला बैक कवर मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसके साइड सब आप देख सकते हो, यहाँ पर कवर थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर आप पकड़ के कोई टाइपिंग वाइपिंग कुछ करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग होगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये बैक कवर ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो आपके बैक कवर से तो यहाँ पर ये ख़रीदने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, धन्यवाद।